अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज़ क्लब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ड्रामा खुशबू में बसे खत के बारे में। ड्रामा खुशबू में बसे खत जो कि हम टीवी पर नशर किया जा रहा है, इस ड्रामे में एक्टिंग करने वाले तमाम अदाकार कौन हैं, इनकी फैमिलीज़ में कौन कौन है, मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज़ क्लब पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबीज़ से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक़्त मिल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिदरा न्याजी के बारे में। सिदरा न्याजी ड्रामा तेरे आने से और ड्रामा सुकून से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की और इस ड्रामे में इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन ये अदाकारा अभी तक ऑफिशियली सिंगल हैं। इनकी शादी को लेकर रूमर्स तो काफ़ी सामने आए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से टॉप प्रोजेक्ट में काम किया है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक सिंगल हैं। बात करते हैं यहाँ सलीम मिराज की, तो ये हैंडसम अदाकार सलीम मिराज की शादी फायज़ा सलीम के साथ हुई। इनकी अहलिया फायज़ा शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती। ये अदाकार ड्रामा तेरे आने से और ड्रामा मतन से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की है। बात करते हैं राशिद फ़ारूकी की, तो राशिद फ़ारूकी ड्रामा तेरे आने से और ड्रामा इश्क है से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। ये भी अदाकार मैरिड हैं और इनकी ये यंग सी बेटी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि बात करते हैं यहाँ वानिया अहमद की, जो कि एज आ मॉडल भी काम कर रही हैं। ये अदाकारा मैरिड हैं और इनकी शादी अली अफजल के साथ हुई और ये अदाकारा आपको इस ड्रामे में भी सपोर्टिंग रोल में नज़र आ रही हैं, जहाँ इनको बेहद पसंद भी किया जा रहा है। बात करते हैं ज़ैनब कयूम की, तो ज़ैनब कयूम की शादी असलम भट्टी के साथ हुई और ये अदाकारा ड्रामा मोहब्बत बेबस और तेरे आने से इसमें नज़र आ चुकी हैं, जहां इनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। जबकि ये अदाकारा की शादी के कुछ अरसा बाद ही इनकी अलहदगी हो गई थी अपने हस्बैंड से, जिसकी वजह से ये अभी तक ऑफिशियली सिंगल हैं। बात करते हैं यहाँ शाहनवाज़ जैदी की, तो शाहनवाज़ जैदी जो हैं वो मशहूर लेजेंडरी अदाकार शहरयार जैदी के भाई हैं और इनकी शादी डॉक्टर श्रिया के साथ हुई। इनकी फैमिली के साथ आप कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। जबकि ये अदाकार ड्रामा इश्क पागल है और कदम ड्रामे से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की है। इसी तरह आमना मुफ्ती ड्रामा मोल और ड्रामा माया में नज़र आ रही हैं, अमर्जिंग स्टार हैं ये और ये भी ऑफिशियली सिंगल हैं। बात कर लेते हैं यहाँ किंजा हाशमी की, तो किंजा हाशमी भी आपको इस ड्रामे में नज़र आ रही हैं, वो भी लीड रोल में। ये अदाकारा ड्रामा मोहलत ड्रामा मेरे बन जाओ से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की और ये अदाकारा ऑफिशियली सिंगल हैं। बात कर लेते हैं नादिया जमील की, नादिया जमील मैरिड हैं, इनकी शादी अली परवेज के साथ हुई और ये अदाकारा इनको कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था। ड्रामा मुझे जीने दो और ड्रामा जो बिछड़ गए के बाद जब इनको इनका कैंसर का इलाज चलता रहा, तो उसके बाद इनका कम बैक इसी ड्रामा खुशबू में बसे खत से ही हुआ। बात करते हैं यहाँ अदनान सिद्दीकी तो अदनान सिद्दीकी ड्रामा मेरे पास तुम हो से इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। ड्रामा मेरी ज़ात जर्राए बेनिशां और साथ ही साथ ये अदाकार बॉलीवुड मूवी मॉम में भी इन्होंने काम किया है और ये हैं इनकी अहलिया पलविशा। इनकी अहलिया काफ़ी खूबसूरत हैं लेकिन शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती। इनकी बड़ी बेटी तो काफ़ी यंग और ख़ूबसूरत भी है और आप इन फैमिली के साथ कुछ तस्वीर देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था ड्रामा खुशबू में बसे खत जो कि आप हम टीवी पर देख पा रहे हैं। इस ड्रामे में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल शोबीज़ क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।